हेलो गाइज, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए सोच रहे हो, ब्लॉगर बनना चाह रहे हो और लैपटॉप ढूंढ रहे हो 35,000 से 40,000 के अंदर, मतलब 35,000 से 40,000 के अंदर, और अगर ब्लॉगर नहीं भी हो और 35,000 से 40,000 के अंदर लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको ऐसे आज 5 लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि इस बजट रेंज में किलर लैपटॉप्स हैं। ये 5 लैपटॉप काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, कह लो बजट किलर है एंड एकदम परफेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं 5 लैपटॉप्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अभी 5 लैपटॉप के बारे में आपको बताऊंगा एंड लास्ट में एक बोनस लैपटॉप बताऊंगा, मतलब एक और बता दूंगा जो कि एकदम बजट किलर है। वो तो मतलब एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड बहुत ही शानदार लैपटॉप है 40,000 के अंदर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हमारे, मतलब सीधे नीचे से ऊपर चलेंगे, मतलब 5वें से चलेंगे टॉप फ्लोर पे, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे ना। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे 5th नंबर वाले लैपटॉप की। तो जो हमारा 5th वाला लैपटॉप है वो आता है एसर ब्रांड की तरफ से। इस लैपटॉप की प्राइस की अगर बात करें तो वो है 43,849 रुपीज ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें इंटेल का i3 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें रैम की तो इसमें जो है वो आपको 4GB की रैम देखने के लिए मिल जाती है, उसके अलावा 1TB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाती है, और एड ऑन करें तो एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। बात करें तो इसमें विंडोज 10 आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि एकदम लेटेस्ट है। और यहाँ पे जितने भी लिस्ट में मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा, अगर उसमें आप विंडोज 10 नहीं लेना चाहते हो, कोई भी विंडोज नहीं लेना चाहते हो, तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये कम में मिल जाएगा। जितनी भी उसकी प्राइस होगी वो 3,000 से 4,000 रुपये कम में मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंच का है जो कि काफ़ी परफेक्ट डिस्प्ले माना जाता है। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होती है हमारे लैपटॉप की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और उसके अलावा बात करें इस लैपटॉप के वेट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो, तो इसका जो वेट है वो है 1.9 kg। स्लाइटली थोड़ा हैवी है बट 1.9 kg इसका वेट है। और अगर इसमें बात करें चार्जिंग की तो 45W की इसमें चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कि मेरे ख्याल से लैपटॉप के हिसाब से नॉर्मल है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो ये जो था वो पहले लैपटॉप का हमारा डिटेल था। अब फटाफट बढ़ते हैं हमारे 4th लैपटॉप की। ओके दोस्तों, अभी बात करते हैं हमारे 4th नंबर वाले लैपटॉप की। और जो हमारा 4th वाला लैपटॉप है वो आता है HP की तरफ से एंड लैपटॉप का नाम है HP 15Q, टोटल इसका नेम है। और इस लैपटॉप के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी प्राइसिंग बताऊंगा। तो प्राइसिंग है 37,709 रुपीज ओनली बाय द टाइम आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो। 37,709 रुपये इसकी प्राइस है और प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो आप सही टाइम का वेट करना। और इस समय तो फ्लिपकार्ट पे सेल भी चालू हो गई है, तो आपको 1,500 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो 37,709 रुपीज़ इसका जो है वो प्राइस है। और इसके बारे में अगर बताएं आपको तो i3 8th जनरेशन इसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाता है। ध्यान रखना, पिछला जो मैंने बताया उसमें 4GB रैम था, बट इसमें जो है वो 8GB रैम देखने के लिए मिल जाता है, 256GB की SSD देखने के लिए मिल जाती है। और अभी तो हार्ड डिस्क का ज़माना गया, SSD का ज़माना आ गया है, तो 256GB मतलब इनफ होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करते हो, ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हो, सिंपल नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो 256GB इनफ है। और 256GB की इसमें फास्ट SSD देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको आपके लैपटॉप को काफ़ी फास्ट बना देगी। और इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल की बात है इस बजट। अगर बात करें इसमें तो इसमें भी आपको विंडोज 10 मिल जाता है जो कि एकदम लेटेस्ट है। अगर बात करें लैपटॉप के डिस्प्ले की साइज़ की तो 15.6 इंच का इसमें बड़ा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वेट की बात करें तो 1.5 kg का हमें वेट देखने के लिए मिल जाता है जो कि स्लाइटली परफेक्ट है। 1.5 kg के अप्रॉक्सी बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, तो मतलब इसको ज़्यादा हैवी नहीं हम बोल सकते। और चार्जिंग इसमें भी 45W की ही मिलती है। तो ये हो गया था हमारा 4th लैपटॉप। अभी बढ़ते हैं और थोड़ा ऊपर और अभी बात करते हैं हमारे 3rd लैपटॉप। ओके, सो जो हमारा 3rd लैपटॉप है ये वन ऑफ द मेरा मोस्ट फेवरेट लैपटॉप है। और ये जो लैपटॉप है वो आता है आसूस की तरफ से एंड इसका मॉडल नंबर है X509। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले प्राइस की। तो प्राइस जो है 36,990 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन जो है इसमें आपको मिलेगा इंटेल का i3 10th जनरेशन। ठीक है, 10th जनरेशन मिलेगा।
और अगर बात करें रैम की तो इसमें आपको 4GB की रैम देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा और हल्का ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें आपको 1TB की जो है आपको हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाएगी। और इस लैपटॉप में खास बात यह है कि इसमें आपको 256GB की SSD भी देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब हार्ड डिस्क के साथ 256GB की SSD भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। इस बजट में आपको एक हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी, SSD भी मिल जाएगी। और इस लैपटॉप के बारे में थोड़ा और बात करें तो इसमें भी विंडोज 10 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 15.6 इंच की इसमें बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी और नॉर्मल वही 45 वॉट की चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि वेट इसका, तो इसका भी वेट थोड़ा स्लाइटली हैवी है, 1.9 kg का ये देखने के लिए मिल जाता है। अब भाई एक्स्ट्रा SSD लोगे तो थोड़ा भारी तो रहेगा ही, तो वही 1.9 kg का है, हल्का भारी है स्लाइटली, जो नॉर्मल वेट्स होते हैं उतना नहीं है, तो लेकिन फिर भी 1.9 kg ज़्यादा भी नहीं है, आपका काम तो चली जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट लैपटॉप की। सेकंड लास्ट जो हमारा लैपटॉप है वो भी आता है हमारा एसर की तरफ से, और इसका पूरा नेम जो है वो है एसर एस्पायर 5। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 35,990 रुपीज़ में देखने के लिए मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें i3 8th generation आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 4GB की आपको रैम अवेलेबल देखने के लिए मिलेगी, 512GB की SSD देखने के लिए मिलेगी। अब ये इसमें बहुत ही खास बात है कि 512GB की इसमें SSD देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी फास्ट है, बिकॉज इसमें SSD है तो काफ़ी फास्ट लैपटॉप ये रहेगा, और इसमें कोई भी हार्ड डिस्क देखने के लिए नहीं मिलेगी, SSD स्टोरेज है और काफ़ी फास्ट लैपटॉप ये रहेगा। उसके अलावा बात करें तो विंडोज 10 होम इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच का। अगर इसके वेट की बात करें तो 1.8 kg का है ये, और चार्जिंग इसमें 45 वॉट की ही देखने के लिए मिलेगी आपको। तो ये वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट लैपटॉप है, बिकॉज इसमें आपको 512GB की SSD देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी फास्ट बना देगी आपके वर्क को, आप काफ़ी क्विक, आप काफ़ी तेज वर्क कर सकते हो उसमें। बाकी ये लैपटॉप जो है वो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते। ओके सो अभी बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल लैपटॉप की, जो कि काफ़ी स्पेशल है, और इसका नाम है आसूस फ्यूबोबुक 14। अब ये आसूस की तरफ से लैपटॉप आता है, प्राइसिंग की अगर बात करें तो 37,990 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, मतलब कि इसमें कौन सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो है थोड़ा हटके प्रोसेसर मिलेगा, मैंने जितने भी प्रोसेसर आपको बताए हैं उससे थोड़ा हटके है। इसमें आपको मिलेगा Ryzen 5 सेकेंड जनरेशन, जो कि Ryzen जो है इस समय पे बहुत ही एक तरह से कह लीजिए फेमस प्रोसेसर है, और काफ़ी अच्छा माना जाता है Ryzen को भी, इंटेल के टक्कर का ही है। और Ryzen जो है, Ryzen के प्रोसेसर थोड़े बजट में हो जाते हैं, इसलिए Ryzen आजकल काफ़ी चल रहा है। तो इसके अलावा इस लैपटॉप के बारे में और बात करें, इस लैपटॉप में जो है वो आपको 8GB की रैम देखने के लिए मिल जाएगी, 8GB की रैम आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 512GB की SSD आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैंने इसके पहले भी जो लैपटॉप बताया था उसमें भी 512GB की SSD थी, लेकिन एक चीज़ कम थी कि रैम कम था, मतलब 4GB ही रैम था, लेकिन इसमें जो है आपको 8GB की रैम भी देखने के लिए मिल जाएगी, 512GB की SSD भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि लैपटॉप को काफ़ी फास्ट बना देगी। आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो, अगर देख रहे हो ये वीडियो और सोच रहे हो कि मैं अच्छे लैपटॉप्स बताऊंगा, तो ये वीडियो एडिटिंग भी हैंडल कर लेगा, काफ़ी आपके सारे वर्क्स हैंडल कर सकता है। और ये जो लैपटॉप है वो बजट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी आपको विंडोज 10 देखने के लिए मिल। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो ये जो है 14 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि फुल HD IPS पैनल है। और उसके अलावा जो इस लैपटॉप का वेट है वो है 1.5 kg, जो कि एकदम परफेक्ट है, स्लाइटली परफेक्ट है। एंड एक चीज़ और कि इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक नई चीज़ है। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो कीबोर्ड्स हैं इसके वो बैकलाइट भी है, मतलब कीबोर्ड्स में लाइट जलती रहेंगी। और चार्जिंग के डिपार्टमेंट की बात करें तो 45 वॉट का इसमें आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाए। तो ये लैपटॉप टॉप पे था, ये भी कह लो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लैपटॉप था। ये पांचों लैपटॉप्स थे जो कि मुझे पसंद हैं, जो मैं प्रेफर करूंगा अगर मुझे अभी 35,000 से 40,000 के अंदर मुझे लैपटॉप्स ले। ओके सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक लास्ट में मैं आपको एज अ बोनस लैपटॉप बताऊंगा, जो कि काफ़ी नया है, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है, तो वो है हॉनर का मैजिक बुक 15। ठीक है, इसका नाम है हॉनर मैजिक बुक 15। अब इस लैपटॉप के अगर बारे में बात करें तो ये लैपटॉप जो है वो दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ठीक है, और इस लैपटॉप के बारे में बात करें इसके फीचर्स की, पहले इस लैपटॉप को मैं आपको फीचर बताऊंगा फिर इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो बात करें इसके सबसे पहले फीचर की, जो कि है 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मतलब 65 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी।
और ये जो है वो टाइप सी है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। वो जो पॉपअप कैमरा रहेगा वो एक की है, मतलब जो की कीबोर्ड होता है उसमें से ऐसे पॉप होगा, मतलब निकलेगा, जो कि काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक तरीका लगता है कैमरे का। तो आज के टाइम में बहुत सारे कैमरे की भी रिक्वायरमेंट होती है, वेबकैम की भी, तो आपको अलग से वेबकैम इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में इंक्लूडेड आएगा। और उसके अलावा इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सी चीज़ें नहीं है, और भी इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि अगर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं तो इसमें आपको राइजन 5 देखने के लिए मिल जाएगा, 8 GB की रैम देखने के लिए मिल जाएगी, 512 GB की SSD देखने के लिए मिल जाएगी, और रेडियन का ग्राफिक कार्ड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा इंटीग्रेटेड। तो ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो है वो फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाली है, तो फर्स्ट सेल में जो है ये लैपटॉप जो है वो 40,000 का मिलेगा, 39,990 रुपीज़ का। लेकिन नेक्स्ट जो सेल लगी, पहली सेल में बस 40,000 का मिलेगा, अगली सेल से ये जो है वो 43,000 का मिलेगा। तो फर्स्ट सेल के लिए ऑफर है 40,000 रुपये में, 40,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड सेल में खरीदोगे तो सिर्फ अगर ये लैपटॉप जो है आपको वो 43,000 इसके लिए देने पड़ेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, अगर आपको लेना है तो ले सकते। ये सारे मेरे पिक्स थे, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जरूर बताइएगा कि आप कौन सा लैपटॉप इसमें से लेने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एफिलिएट वाली है, वहीं से खरीदिएगा और कहीं से मत खरीदिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी कॉन्टेंट में और ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।